अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जो मेरे छोटे मोटे से सब्सक्राइबर्स हैं, जो हालांकि सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं और वीडियो पे कोई व्यू नहीं पड़ता, लेकिन एनीवे थैंक यू सो मच फिर भी आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और हम लोग आज बनाने लगे हैं बीफ मिंस स्पेगेटी, और जो कि बनती है बीफ कीमा यानी बीफ कीमा और स्पेगेटी के साथ, विच इज़ वेरी टेस्टी। और उससे लेट ही बहुत हो रहा है, गलत टाइम पे वीडियो स्टार्ट की, बट दैट्स ओके। और जो कि हम लोग बिगिनर्स हैं और अभी नई नई वीडियो वो इसके साथ स्टार्ट किया, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, कहीं पे शुरू कहीं पे रोकना, तो इन एडवांस अगेन सॉरी। वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ खुद ही ठीक होता जाएगा। और इसमें हम लोग डाल रहे हैं बीफ का कीमा जो कि है 1/2 किलो, और प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस दरमियान ही रखनी है, कुछ कच्ची कच्ची। और जब कैमरा ऑन होता है तो कुछ समझ में नहीं आता सही बोल रही हो गलत बोल रही हो या क्या बोलूँगी, और जब कैमरा ऑफ होता है तो इतना सोचती हूँ ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन फिर एंड में कुछ समझ नहीं आता। 3-4 मिनट भूनने के बाद इसका कलर जब चेंज होने लगे तो फिर इसमें डाल देते हैं गार्लिक, थूम कटा हुआ और फिर 2-3 मिनट इसको हिलाते हैं। एक चिकन क्यूब और थोड़ा सा काली मिर्च, चिकन क्यूब हो जाए या बीफ की यखनी या बीफ की हो जाए, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो जाए उसका, थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप। और हो गया, अब इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं, ये मैंने खुद ही बॉईल करके तो ब्लेंडर कर लिए थे, तो इस तरह से आप भी कर लें तो डाइस करने तो बाहर से टिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी मैंने तकरीबन 1 कप केचप और उसमें 3 टेबलस्पून चिली सॉस और चिली ऑयल जो है 1 टेबलस्पून उसमें मिक्स कर लिया, वो भी इसमें रहेगा। नाउ सी द कलर अभी कितना डिफरेंट हो गया है। चार मिनट क्योंकि हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया, वो टमाटर ही थे जो प्यूरी बनी हुई थी, बस टमाटरों का ही था और उसके अलावा तो कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। अब इसके साथ थोड़ी सी चॉप्ड पार्सली और बेजल, फ्रेश बेजल लीव्स। और हमारे यहाँ एक मसला है कि हम लोगों को ना ये हर्ब्स का पता नहीं है, हालाँकि जो डिल है बहुत ही कॉमन हर्ब, उसको सोए कहते हैं और हमारे गाँव में ज़मीनों इतने लगे होते हैं कोई इसको पूछते ही नहीं है। और ये जो बेजल है इसको भी कुछ कहते हैं, मैं पता करके आपको बताऊंगी, बहुत कॉमन चीज़ है, ये भी बाहर लगी हुई होती है लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है। ये स्पेगेटीज हैं, इसमें मैंने ऑयल डाल के बॉयल करके ऑयल डाल के रख लिया था ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, और ये जितनी आपको इसमें चाहिए उतनी ले लें। ये कर लेते हैं मिक्स, टेस्ट है कितना मजे का कलर है। और मेरे ख्याल से ये वाली जो है सब गेटीज है, इस तरह कोई और आई है, कितनी मोटी मोटी लग रही है, कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, इतनी साफ
सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार किस्म की सॉस लग रही है ना। बीफ मिंस इट इज़ रेडी। और ये ऊपर पार्सली डाल रही हूँ और बेजल कटा हुआ, अगर नहीं है तो हरा धनिया के साथ गार्निश कर लें। बस दैट्स इट।